वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 189 कवर करेंगे, जिसका टाइटल है रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। और इसमें बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि सेम इनएलिजिबिलिटी और डिस्क्वालिफिकेशन होती हैं जो डायरेक्टर के लिए होती हैं, वही चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए भी होती हैं। तो लॉ का जो परस्पेक्टिव है वो ये है कि अ पर्सन हु इज इनएलिजिबल टू बिकम अ डायरेक्टर, यानी वो शख्स जो डायरेक्टर बनने का अहल नहीं है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव बनने का अहल भी नहीं होगा। जो शख्स डायरेक्टर नहीं बन सकता, वो चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे भी अपॉइंट नहीं होगा, वो चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे भी कंटिन्यू नहीं कर सकेगा। तो अगर एक पर्सन चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे कंटिन्यू कर रहा है और फिर बाद में उस पर कोई ऐसी पाबंदी लग जाती है या डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है जिसकी वजह से वो डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो फिर वो चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर भी कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब लॉ का रूल तो इतना सिंपल सा ही है, लेकिन अगर इसको हम इम्प्लीकेशन करें तो काफी ब्रॉड बनती है। तो जो रूल्स हमने डायरेक्टर्स के लिए पढ़े होते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि माइनर डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो चीफ एग्जीक्यूटिव माइनर चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं बन सकता। हम पढ़ते हैं कि अनसाउंड माइंड का पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता, चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं बन सकता। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट ना डायरेक्टर बन सकता है ना चीफ एग्जीक्यूटिव। इसी तरह ऐसा पर्सन जो एबसेंट हो जाता है 3 consecutive मीटिंग्स ऑफ बोर्ड, क्योंकि जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका भी स्टेटस डायरेक्टर वाला भी होता है, तो उन्हें भी बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करनी होती हैं। तो विदाउट सीकिंग लीव ऑफ एब्सेंस अगर 3 consecutive मीटिंग से एबसेंट हो जाते हैं तो डायरेक्टर का भी ऑफिस वकेट हो जाएगा, इसी तरह चीफ एग्जीक्यूटिव का भी हो जाएगा। इसी तरह एक्सेप्ट लोन फ्रॉम कंपनी इन कंट्रावेंशन ऑफ कंपनीज एक्ट, लोन अगर कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लें तो प्रॉब्लम नहीं है, उस रिक्वायरमेंट की कंट्रावेंशन में लें तो ऑफिस वकेट हो जाता है डायरेक्टर का भी चीफ एग्जीक्यूटिव का भी। इसी तरह अगर किसी को SECP डिस्क्वालिफाई कर देता है कि वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो वो पर्सन चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं बन सकता। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बाकी जो जाहिर बात है जो डिटेल्ड एग्जाम्पल्स हैं वो सेक्शन 153, 171 और फर्दर दूसरे कुछ सेक्शंस के अंदर मेंशन है, तो इनको आप फॉलो करेंगे। बेस कॉन्सेप्ट ये है कि जो डायरेक्टर नहीं बन सकता, वो पर्सन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी भी नहीं बन सकता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।